हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सोनाली। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैंने 2-3 दिन के बाद ब्लॉग शूट किया। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी भी, मतलब हस्बैंड का भी। कियान ठीक है, हम दोनों की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और लास्ट वीकेंड मेरे बड़े वाले भैया भी आए थे, तो तिरुपति में जो रहते हैं जिनके घर हम गए थे, तो वो भी आए थे वीकेंड को, तो हम बहुत इन्जॉय किए थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी। जो भी मेरे पास ओल्ड वाले ब्लॉग्स थे वही मैं डाल रही थी, अपलोड कर रही थी। आई होप आपने वो सब देखा है, इन्जॉय किया है। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा ब्लॉग अपलोड करने के लिए। तो आज है कियान का एग्ज़ाम, उसका कल ख़त्म हो गया था। आज उनका इस साल का लास्ट डे है, तो ईयर एंड पार्टी है उनका। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वो लोग शेयर करते हैं जिस दिन उनका ईयर एंड पार्टी होता है, या फिर यू नो आफ्टर एग्ज़ाम पार्टी होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत उसके लिए पैक किया, दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत उनके लिए चीज़ बिस्किट्स और चिप्स नैचोस ये सब डाला है। इसके अलावा मैं कियान को रेगुलर टिफ़िन तो देती हूँ, तो इसको भी बंद कर लेते हैं और चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं बालकनी आई तो देखा कि पेड़ पौधे पूरा सूख गए थे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा उनमें पानी डाल दिया और फिर अपना काम स्टार्ट करने लगे। यहाँ पे बन रही कियान की ब्रेकफास्ट, और घी से बना रही हूँ डोसा, और ये है सत्या का चिया सीड, मैंने अपना पी लिया है। तो इसको हम भिगो के रखते हैं, सुबह सुबह पी लेते हैं। ऐसा नहीं कि एवरी डे, कुछ चेंजेस होता रहता है, आजकल चिया सीड चल रहा है। तो चलिए पहले कियान को ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। कियान को मोस्टली सुबह सुबह डोसा खाना पसंद है, पर मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करवाती रहती हूँ, कभी डोसा, कभी स्टफ पराठे, कभी प्लेन पराठे, कभी ब्रेड। क्योंकि अगर सारी चीज़ें वो खा रहा होगा एवरीडे बेसिस पे, तो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, जो कि हम बहुत करते भी हैं, आपने देखा होगा, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको लेकर जा रही थी स्कूल, और आज उनका यूनिफॉर्म नहीं था क्योंकि आज उनके लिए पार्टी था। उसके बाद मैंने घर के थोड़े बहुत डस्टिंग की, तो आज था डस्टिंग का डे। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो कियान को स्कूल भेजने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, आज मैंने यूजुअली मैं 6:30 बजे नहा लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि पूरा घर का जो है डस्टिंग करते हैं। मैंने वो सब कर लिया। उसके बाद कुक भैया आए थे, उन्होंने कुछ कुछ कुकिंग करके गए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कुक भैया बना के गए हैं चिकन, दिख तो अच्छा रहा, ये कैशियो चिकन बना के गए हैं। एक सेकेंड, हाथ धो लेते हैं। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है राइस, यहाँ पे है वाइट पीस होता है ना, वो मटर आलू की सब्जी, और यहाँ पे कियान के लिए बनाए हैं आलू भाजी, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और दैट्स ऑल, यही बना कर गए हैं। तो बस आज मेरा एडिटिंग का बहुत सारा काम बाकी था, वो सब मैं करूँगी अभी। तो कियान भी आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:30 11:40 हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी वो सब काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि 12:20 को कियान को पिकअप करने के लिए जाएंगे। तो उससे पहले देखिए मैं कैसे घर वर पूरा बंद करके रखती हूँ, सारे घर के दरवाजे खिड़की सब बंद करके रखती हूँ, ताकि क्योंकि घर के अंदर जो है हीट थोड़ा सा कम आए, क्योंकि हम लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। थक गई हूँ मैं, क्योंकि अभी ना के आई हूँ सब काम ख़त्म करके। आपसे मैं मिलती हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ ना, फिर आपसे मिलती हूँ। आज हमने मैंगो लस्सी बनाई थी, क्योंकि मैंगो लेकर आए थे हम फर्स्ट टाइम घर पे। उसके बाद कियान को देखिए, पूरा आफ्टरनून वो यही करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसको नीचे खेलना पसंद है, फिर जाके वहाँ बैठ गया। तो डोंट वरी, उसके डाडा उसके साथ ही थे, तो हम बस उसके साथ थोड़ा बहुत हम भी खेल रहे थे। जब भी सत्या को थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है मीटिंग के बीच में, तो वो कियान के साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं, मेरे साथ बातें करते रहते हैं। उसके बाद वो फिर पढ़ने लगा, फिर हमारा आफ्टरनून का टाइम हो गया था चाय का सेशन। तो आज मुझे चिकन इतना, मतलब मैं खाने को मन नहीं किया था, तो मैंने लंच में बहुत ही थोड़ा सा राइस खाया था, तो मुझे भूख लग गई थी, जिसके वजह से मैं यहाँ पे शॉर्टकट वाली मैगी बना रही हूँ चाय के साथ। क्योंकि मुझे मैगी खाना कभी कभी बीच बीच में बहुत ही पसंद है, ये वेज मैगी बना रही हूँ बस टमाटर और प्याज के साथ, और एंड में मैंने उसमें थोड़ा बहुत चीज़ भी डाल दी।
क्योंकि चीज़ के साथ थोड़ा वो फिलिंग जो है ना वो अच्छा रहता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा चीज़ डाल के उसको मिला दिया उसके साथ चाय। और वाह क्या कॉम्बिनेशन था। उसके बाद कियान को लेकर हम नीचे गए थे, मतलब मैं नीचे गई थी उसको लेकर, हस्बैंड का तो मीटिंग ही चल रहा था। उसको हम आजकल साइकिलिंग सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो थोड़ा थोड़ा हाफ पेडल मार के आगे आगे जा रहा था, बट नीचे उसको प्रॉब्लम होता है बिकॉज़ थोड़ा सा जो रोड है वो रफ है। ऊपर आराम से कर लेता है कॉरिडोर में, बट नीचे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद हम ग्वालिया गए थे, जो जिसका शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा मेरे चैनल में, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत स्वीट्स खाए। और उसके बाद गुड़ की रसमलाई बहुत अच्छी थी यहाँ की। उसके बाद हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद फिर डिनर टाइम हो गया था, तो डिनर में हम दोनों के लिए मैं रोटियां बना रही थी और कियान के लिए मैं पराठा बना रही थी, क्योंकि आलू भाजी थी उसके लिए, तो पराठों के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और हमारा डेली का यही है कि हम मोस्टली रोटी मतलब फुलका ही खाते हैं, कभी मन किया तो पराठा ले लेते हैं एक दो, बट मोस्टली रात के टाइम हम अवॉइड ही करते हैं पराठा। और कियान को आजकल थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो रहा है उसका, इसलिए मैं उसको घी में नहीं तेल में बना के दे रही थी ऑयल। आप भी बताना अगर आपके बच्चे को भी घी से स्टोमक पेन होता है क्या। पता नहीं, इस समर में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कियान को, आई डोंट नो वाई। और कियान बहुत ही अच्छे से पराठा जो है वो खा रहा था, वो पराठा के साथ उसको आलू भाजी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने होममेड कर्ड में डेली बनाती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे मिल्क को बॉयल कर रही थी। और बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कुछ नया देखने को मन करे तो कमेंट में डाल देना। बाकी आप भी बताना कि आपका डेली लाइफ में आप क्या क्या ऐड करते हो, और क्या क्या आपको करना पसंद है, क्या क्या नहीं। तो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।